सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं, फिर से नहीं पहली बार खेलने जा रहे हैं द डेड आइलैंड 2। और भाई इस गेम की शुरुआत इस तरीके से होती है जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे सब लोगों के टेम्परेचर चेक किए जा रहे थे, यहाँ पर भी जो लोग इम्यून थे या जो लोग ठीक दिख रहे थे उनका टेम्परेचर चेक करके ही उनको सेफ्टी के अंदर रखा जा रहा था। ओवरऑल अगर आप देखो तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट आपको बताता है कि भाई यहाँ पर कोई बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, और ऐसा क्राइसिस जिसके अंदर पूरी की पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, एक एक बंदा चेक होता है कहीं भी जाने से पहले। और भाई यहाँ पर कोरोना वायरस पीड़ित लोग नहीं है, यहाँ पर लोग जॉम्बी बने हुए हैं। जॉम्बी बने हुए के लाइक आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी ऐसी जिसमें जॉम्बीज़ का बहुत ज़्यादा जिक्र है, लेकिन ये होने वाली है बिल्कुल ही अलग, क्योंकि ये है गेम। और भाई गेम चलता है उस हिसाब से जिस हिसाब से आप चलाना चाहते हो। पहला गेम प्ले भाई इसका, इस गेम का मैंने अभी रिसेंटली डाउनलोड किया है, और ये लास्ट ईयर का ही गेम है, बहुत ज़्यादा पुराना गेम नहीं है GTA 5 की तरह। तो भाई इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, हम करेंगे पूरी तरह एक्सप्लोर। और भाई आप मुझे अपने सजेशन ज़रूर भेजते रहना कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। और एक सवाल ये भी कि यार अगर मान लो आप कल सुबह उठो और आपके घर के बाहर सेम सिचुएशन चल रही हो, आपको पता है दो तीन लोगों को छोड़ के आपके सामने वाले घर में एक बंदा है जो जिंदा है, एक पड़ोस के घर में जो जिंदा है, बाकी सारे जॉम्बी बने हुए हैं और एक भी बंदा ऐसा ठीक नहीं है जिससे आप ठीक से बात कर पाओ। और भाई ये देख रहे हो ये लोग प्लेन में कहीं जा रहे थे बच के जिनको भेजा जा रहा था, और उनमें से एक जॉम्बी निकला, एक जॉम्बी यहाँ पे मरी हुई लाश को खा रहा है। और भाई ये कौन था? ओ भाई भाई इसको देख के कुछ ऐसा लुक नज़र नहीं आ रहा जैसे कि सैफ अली खान का था उस मूवी में जो कि इंडिया बेस्ड बनी हुई है जॉम्बीज के ऊपर, गोवा में शूट हुई, गोवा गॉन मूवी का नाम है, उसमें जो सैफ अली खान का रोल था वैसा कुछ नज़र आ रहा है। और भाई अभी प्लेन के अंदर दो लोग हैं, मतलब दो कैरेक्टर हैं, दो में से हमें एक चूज़ करना है। एक है जेकब, जेकब की टफनेस अच्छी है, स्टेमिना अच्छा है, और उसकी पीक हेल्थ बहुत अच्छी है, रेजिलियंस बहुत कम है यार। दूसरा कैरेक्टर है एमी, एमी का ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा है, एग्रिलिटी ज़्यादा अच्छी है, पीक हेल्थ कम है पर रेजिलेंस अच्छा था। पर लड़की नहीं यार, हम तो अपना कैरेक्टर लड़का ही रखेंगे क्योंकि मैन इज मैन, इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। भाई ओवरऑल देखने में गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें है ना कुछ नया खेलने वाले हम लोग इस बार। हमने पाल वाल खेल लिया, वो थोड़ा कार्टूनिश टाइप का है, GTA 5 खेल लिया, GTA 5 यार 13-14 साल से लोग खेल ही रहे हैं, ये है थोड़ा सा नया। तो भाई देखते हैं इसके अंदर क्या स्टोरी। भाई ये जब उठा है ना इसके पेट में कुछ घुसा हुआ है, और जैसे इसने निकाला है भाई खून रुक ही नहीं रहा है। भाई ये देख के YouTube मेरी वीडियो को बैन ना कर दे, क्योंकि इतना ब्लड अलाउड नहीं है YouTube पर, बट अगर इतना ब्लड आ रहा है तो भाई गेम में आ रहा है ना, मैं थोड़ी निकाल रहा हूँ सामने वाले बंदे का, वो तो निकलेगा ही। तो भाई अभी फ़िलहाल इसको लाइक चारों तरफ इसकी जो आँखें हैं वो बंद होने की कोशिश, मतलब बंद होने वाली है। यहाँ पे फर्स्ट एड किट मेरे को दिख रही है, बाहर तो जा नहीं सकते, यहीं से फर्स्ट एड किट उठाते हैं पहले। राइट राइट राइट, यहाँ पे कुछ नहीं है। भाई ये रही हमारी फर्स्ट एड किट, मेड किट, जिसको भाई अरे पहुँचने से पहले भाई इसकी जान इसलिए ख़त्म हो चुकी है, ये उठा ही नहीं जा रहा है, इससे ये गिर गया है बिल्कुल। सामने यार एक छोटी सी ना दारू की बॉटल रखी है, दारू है परफ्यूम है कुछ भी है, इसको डाल लेता हूँ क्या पता इससे कुछ हो, लेकिन भाई जलन होगी बहुत ज़्यादा इसको लगाने से। और फाइनली फर्स्ट एड किट मिल गई है, और इसको मिलने के बाद होगी थोड़ी सी रिलीफ। भाई आई थिंक हमारा फर्स्ट गेम प्ले इतना ही रहने वाला है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई अगर आप लोग एक्साइटेड हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक, और भाई प्लीज़ वेट करना नेक्स्ट पार्ट का, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपने घर वालों का रखो ध्यान, और आप सबको राम राम।